आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वहीं इस डिमांड को पूरा करने के लिए नई और पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनी पूरे जोर शोर से लगी हुई है, नए नए स्कूटर लॉन्च कर रही है। बजाज ऑटो से लेके ओला तक कई टू व्हीलर आ गए हैं इंडियन मार्केट के अंदर। साथ ही आने वाले दिनों में कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाले हैं। इसके साथ ही बहुत सारी कंपनी नई स्कूटर लॉन्च करने की प्लानिंग भी कर रही है, जिसके अंदर होंडा एक्टिव इलेक्ट्रिक भी शामिल है। तो अगर आप लोग भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में बताऊंगा जो आने वाले हैं, मतलब टोटल 10 या 11 हैं। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि कब तक आएगा, और आप लोग वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, वरना अभी जो अवेलेबल है उनमें से भी ले सकते हो, ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप लोग वेट करना है तो वेट कर सकते हो, थोड़ा सा ही वेट करना, ज़्यादा वेट नहीं करना। और भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपको लाल बटन दिख रहा है ना, हाँ सब्सक्राइब वाला, उसे तोड़ दो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, उसे दबा दो बस, वरना आपका भी नेता वाला आधा काम हो जाएगा। कि इलेक्शन आते ही हाथ जोड़ लिए, इलेक्शन जाते ही मतलब इलेक्शन जीतते ही लात मार दी और हिंदू मुस्लिम में लगा दिया सबको। इसीलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट को, जो कि अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया। तो जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो हीरो वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर। हीरो मोटो कब जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी जो लॉन्चिंग है कंपनी ने पोस्टपोन कर दी है। और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी अभी डिटेल ज़्यादा ऑफिशियली आउट नहीं किया कंपनी ने, लेकिन कंपनी ने हाल ही में नए अपकमिंग स्कूटर के ब्रांड के नाम से पर्दा उठाया। कंपनी ने इसकी पहली झलक शेयर करते हुए नई ब्रांडिंग दिखाई है कि वो कैसी दिखती है। और मैं आपको याद दिला दूं, कुछ महीने पहले हीरो मोटर कंपनी के चेयरमैन और सीईओ डॉक्टर पवन मुंजाल को कंपनी के पहले प्री प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोटोटाइप के साथ देखा गया था। फिलहाल हीरो मोटर कॉर्प के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत, लुक और फीचर के बारे में थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये सब कैसी हैं। जैसे मेरे पास आएंगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो जो अगला स्कूटर है वो है होंडा बेनेली ई। होंडा बेनेली ई इलेक्ट्रिक स्कूटर के इंडिया में लॉन्च को लेकर काफ़ी समय से जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कंपनी ने इसके बारे में ज़्यादा ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन लीक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये साफ है कि जल्दी इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वहीं अब होंडा बेनेली ई को बेंगलुरु में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। बेनेली ई स्कूटर ट्विन बैटरी पैक के साथ आता है। हर एक बैटरी का जो आकार है वो 0.9 किलोवाट का है। इन दोनों बैटरी को आप लोग अदल बदल कर सकते हो, जिससे राइडर 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से चार्ज होने के बाद स्कूटर को फिर से यूज कर सकता है। तो जो अगला स्कूटर है वो है होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन। होंडा अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कुछ न्यूज़ साइट के अकॉर्डिंग होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के जो डायरेक्टर हैं अतुशी ओगाटा ने इंडिया के अंदर होंडा की इलेक्ट्रिक के लिए प्रोडक्शन करने के लिए कंफर्म किया है। होंडा बेनेली ई को हाल ही के अंदर AERA के पुणे में बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग करते देखा गया है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट का कहना है कि होंडा एक्टिव इलेक्ट्रिक स्कूटर 2023 में लॉन्च हो सकता है। तो जो अगला स्कूटर है वही हमारा न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर। यामा ने यूरोपियन मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर न्यू को कुछ महीने पहले लॉन्च किया था। वही खबर यह है कि यामा मोटर इंडिया जल्दी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि इसे इंडियन डीलर के सामने भी शोकेस किया है। हालांकि ये शोकेस करना ये तय नहीं करता कि ये इंडिया में आने वाला है या नहीं आने वाला। अगर बात करें यामा न्यू की, तो इसके अंदर आपको हब माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है, जो अर्बन एरिया में चलने के लिए काफी अच्छा है। तो जो अगला स्कूटर है वह वेस्पा का इलेक्ट्रिक वर्जन। आपको जानकर खुशी होगी, कुछ समय पहले पियाजो ने स्टेटमेंट दी थी कि कंपनी इलेक्ट्रिक स्पेस में एंट्री करने वाली है। फिलहाल पियाजो इंडिया के अंदर 3 व्हीलर बेचती है। हालांकि वेस्पा और अप्रीलिया ब्रांड देश के अंदर 2 व्हीलर व्हीकल बनाते हैं। कंपनी ने एक मीडिया वेबसाइट को बताया था कि वेस्पा ब्रांड के अंदर इंडिया में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने वाली है। प्रेजेंट के अंदर वेस्पा यूरोपियन मार्केट के अंदर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती है। लीक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उम्मीद की जा रही है कि 2023 के एंड में वेस्पा ब्रांड के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो जो अगला स्कूटर है LML का इलेक्ट्रिक स्कूटर। LML कंपनी ने अपनी नई यूनिट LML इलेक्ट्रिक की स्टार्टिंग कर दी है, और अब इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में काफ़ी तगड़ी एंट्री करने वाली है। अपने ईवी बिजनेस के लिए कंपनी ने 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीरिया इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के अंदर हरियाणा के अंदर जो प्लांट है इनका, उसके अंदर LML के इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए जाएंगे। वहीं आने वाले समय के अंदर पूरी तरह से मेड इन इंडिया LML इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में उतारे जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, सीरिया इलेक्ट्रिक ऑटो वर्ल्ड फेमस हार्ली डेविडसन के लिए गाड़ी बना चुकी है। LML कंपनी अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर कंपनी अपने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी जानकारी शेयर करेगी। तो जो अगला स्कूटर है वो डिस्पैच इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ईवी स्टार्टअप कंपनी डिस्पैच व्हीकल ने कुछ समय पहले अनाउंसमेंट की है कि इंडिया में पहला मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रहा है। यह अगले फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टर के अंदर लॉन्च हो सकता है। डिस्पैच इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया में बनने वाले एक टफ एग्रोनॉमिक बॉडी फ्रेम के साथ आने का दावा किया जा रहा है। तो जो अगला स्कूटर है वह है बजाज ब्लेड। बजाज अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद जल्दी नया बैटरी वाला स्कूटर लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट की माने तो बजाज ऑटो भारत के अंदर A350S को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना नया बजाज ब्लेड उतारने वाला है। दरअसल कुछ समय पहले बजाज ऑटो ने कई नाम ट्रेडमार्क कराए हैं जो ICE और EV सेगमेंट को लेके हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि देसी कंपनी इस साल बजाज ब्लेड नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर ला सकती है।
और माना ही जा रहा है कि जो बजाज ब्लेड होगी उसके अंदर आपको कई सारे फीचर मिलेंगे और कुछ फीचर बजाज चेतक से मिलते जुलते होंगे। तो जो अगला स्कूटर है वो है हिंदुस्तान मोटर्स का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हिंदुस्तान मोटर्स की पॉपुलर कार एम्बेसडर अब बंद हो चुकी है जैसे कि आपको पता है, लेकिन एक बार फिर ये कंपनी चर्चा में आ गई है क्योंकि इसने कहा है कि वो जल्दी इलेक्ट्रिक स्पेस में एंट्री करने वाली है। और साथ ही बताया जा रहा है कि कंपनी से इलेक्ट्रिक गाड़ी ही नहीं निकालेगी, इसके साथ ही वो टू व्हीलर भी फोकस कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी इंडियन रोड पर हिंदुस्तान मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है कि इसकी अपकमिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन सी है और अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है और कब तक आएगा, सब मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप लोग जानना है तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो जो अगला स्कूटर है वो है सुजुकी बगमैन का इलेक्ट्रिक वर्जन। सुजुकी इंडिया ने कुछ साल पहले बगमैन स्कूटर को इंडिया में लॉन्च किया था, वहीं अब कंपनी अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने वाली है। बगमैन इलेक्ट्रिक को लेकर कहा जा रहा है कि कंपनी ने इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। इसके अंदर 5 किलोवाट मोटर दी गई है जिसके साथ आपको 3 किलोवाट और 4 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिलेगी। बगमैन इलेक्ट्रिक बजाज चेतक और एथर 50X को टक्कर देने के लिए आएगी जिसकी कीमत लगभग लगभग हो सकती है 1,20,000 रुपये। तो जो अगला स्कूटर है इलेक्ट्रिक वो है टीवीएस सीरियो। टीवीएस के पास पहले से ही इंडिया के अंदर कुछ चुनिंदा हिस्सों में खरीदार मौजूद हैं जो कि टीवीएस आई को खरीदते हैं। वही इन्फॉर्मेशन ये आई कि अब टीवीएस कंपनी अपनी टीवीएस सीरियो को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और मैं आपको बता दूं क्रेयोन ऑटो एक्सपो 2018 के अंदर टीवीएस स्टॉल पर देखा गया था टीवीएस सीरियो को। अभी किसी भी मीडिया हाउस या ऑटो साइट के पास क्रेयोन के लिए लॉन्च की टाइमलाइन नहीं है, लेकिन इन अपडेट्स को देखते हुए इस साल तक टीवीएस सीरियो को लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि लॉन्च किया जाएगा नहीं किया जाएगा। बाकी अगर इन सभी स्कूटर से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। तो अगर आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। और अगर आप लोगों की क्वेरी हुई कोई डाउट है किसी व्हीकल को लेकर या गाड़ी बाइक या स्कूटर को लेकर तो आप लोग मेरे को DM करके पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप लोगों को बाइक कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मीटिव लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।